आप ही ने खड़ा होकर के बोले कि एकदम लागू होना चाहिए, और यही बोले कि साहब ने सब लोग शपथ ले, आपने ही शपथ का कहा और सब लोगों ने शपथ लिया शराबबंदी के पक्ष में, तो हम कभी भूल सकते हैं इन सब चीजों को, तापस में मिल करके ना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हम तो बराबर ना शुरू से बोलते हैं कि आप, हाँ ठीक ही बात है, पूर्ण नशाबंदी तो है उसी पर कर है, जरा थोड़ा हमारा बतवा पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना। कुछ लोग आपके जो सीनियर लोग भी है ना, उनको भी मेरी तरफ पता है, इसलिए जरा सा ध्यान दीजिए बोलने के लिए, तो कोई भी बोलिएगा। होता क्या है कि आप तो समाज में जानते ना है भाई, कोई भी आदमी जो जन्म लेता है तो 100% कभी सही हो सकता है। जब कोई काम शुरू करते हैं, अच्छा से प्रचार करते हैं, तो 90% तो ठीक हो जाता है, 10% के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि 5-7% और ठीक हो जाए। लेकिन कितनों मेहनत करिएगा, कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे, हम तब की बात करते हैं, एक जगह हम दूसरे जगह पर थे, तब एक जगह देखे थे एक आदमी कितना स्वस्थ था, और जाके जानवरवे के साथ कर रहा था। तो क्या हम देखे हैं, तो हमको लगे क्या होता है भाई। तब उसी समय हमको फिर और पढ़े हुए तब पता चला कि सब आदमी ठीक हो नहीं सकता, कुछ आदमी गड़बड़ होता ही है। आप कितना बढ़िया लोगों के लिए काम करिएगा तो कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा ही, इसलिए चिंता मत करिए। अब आपको, हम लोगों को तो करना है ना भाई कि अधिक से अधिक आदमी ठीक ठाक करे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही, तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही, तो आप उस पर तो जो कर सकते हैं समझाने का लोगों को कि इसके चक्कर में मत पड़िए, तो कुछ तो होता ही है। अब हमको जो पता चला है, हम इस बार का बात आपको बता देते हैं, याद करिए, सुनो ना भाई, नहीं बैठिए ना हम, अरे आपका एक एक माननीय सदस्य बताएंगे, स्थान ग्रहण कर रहे हैं हम, नहीं 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 नहीं, आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप हो रहा होने दीजिए, नहीं नहीं आप अपने स्थान को माननीय जनक सिंह जी ग्रहण कीजिए, वो हो गया, वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना। अरे हमारे सरकार के जवाब ना है, अब बैठिए, अरे सरकार के जवाब है, पहले भी थे ही ना भाई, सुनिए ना जरा बतवा को, जब 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 हुआ था आपको याद नहीं है, जब पिछली बार भी जहरीली शराब से लोग मरा था आपको याद होगा, यानी 2021 में, तो उसके बाद हम लोग और मूवमेंट चलाए, आप 22 में सब जगह 12 जगह जा करके, फिर हम लोगों ने क्या, बीच में फिर कोरोना हो गया था, 5 जगह गए, और सब लोग मीटिंग में भाषण नहीं दिए हैं, एक एक चीज लोगों को समझाने के लिए कि गड़बड़ मत करो, जहरीली शराब पी लेते हो, शराब पीने से मना करो लोगों को, पिएगा तो मरेगा, तो ये सब बात तो हम लोग पिछली बार भी किए थे। तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम 2018 में जो सर्वे किया गया था, तो उसमें पता चल गया था कि अपने यहाँ 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, और इस बार जो हम करवाए हैं सर्वे, तो अभी जो पता चला है, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय को हमने दिया था, तो उनके माध्यम से भी करवाए हैं, तो आप जान लीजिए कि इस बार जो अभी तुरंत हमको रिपोर्ट आई है कि अब शराब बंदी के बाद, अब समझ लीजिए इस बार का रिपोर्ट है 1,82,00,000 लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं, यानी 1,64,00,000 से अब शराब पीने से छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई, शराब छोड़ने का अब 1,82,00,000 हो गया, और आप समझ लीजिए कि अब इसमें यही हुआ है, पता जो चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93% और शहरी क्षेत्रों में 92% लोग शराबबंदी के समर्थन में बोलते हैं। आप जो नहीं समर्थन में बोलते हैं, वो सब शराब नहीं पीता, लेकिन आप समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में 93% और शहरी इलाकों में 92% शराबबंदी के पक्ष में बोलता है।
हम तो इस बार गए देखे, आप लोग कहते जिस जिलवा में गए सब लोग बोल रही थी महिला सब, तो वो तो ठीक है, आप जानते हैं कि जो कोई शराब पीता है तो भाई जहरीली शराब है तो जहरीली शराब पीने से मरवे ना करता है। तो आपको पता है ना कि सबसे पहले जो हम लोग लागू किए थे तो 16 में जो एक घटना वहां पर घटी, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है जो दिया है उसी से इसको पैसा देना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कुछ हम लोग दे दिए, लेकिन बाद में कोर्ट में स्टे हो गया। तो अब बात यही हम लोगों ने तय किया कि भाई जो भी उसको जिस किसी को भी गंदा शराब पिला करके मराया है और वो जब डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसी से ये सब लिया जाएगा। सरकार को भाई मदद करने का कोई तुक नहीं है। एक बार याद रखिए, अगर आप शराब पीने ही से ना मर रहा, अब जहरीला शराब उसको मिल गया, तब पी रहा था तभी ना जहरीला भी मिल गया। शराब नहीं ना पीना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, पूरे परिवार को समझाना चाहिए, और पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार को अगर इसके चलते कोई नुकसान हुआ है तो उसको मदद करने के लिए कुछ करना पड़े तो हम लोगों को सबको करना चाहिए कि भाई छोड़ दो शराब कितना गंदा चीज है जान लो, शराब कितना बुरा चीज है क्या जान लो, नहीं मुआवजा तो नहीं देना चाहिए, बतवा तो समझ लीजिए, कहे कि आप लोग तो पहले भी मुख्यमंत्री तो आप उसको मुआवजा दीजिएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं तो भाई पिएगा। अरे शराब तो मर रहा है वही ना, पी रहा है इसलिए ना मर रहा है, जहरीला पी रहा तो इसीलिए जहरीला वाले पर एक्शन होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन उस परिवार को अगर कोई मर गया तो और ज्यादा उसको ट्रेनिंग कर देना चाहिए कि भाई देखो कितना बुरा चीज है, आगे कभी मत करना, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उस परिवार को उसको जो सहयोग करना हो जरूर करना चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना, हम आपको कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को, चूंकि देखिए सर्वसम्मति से ये लागू हुआ, तो अभी भी आप जो कहते हो गलत नहीं, बैठिए ना, हमारा बतवा सुन ल, अरे कुछ, अरे आपका भाषण हम सुन लिए,